बोलो कि सुमे फिर से गोड़ा या कुछ नए बोला। तो बोलो कि यार आज हम लोग जानेंगे यार जिंदाल कंपनी का प्राइस यार, यानी प्राइस लिस्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा और प्राइस भी पता चलेगा, वो भी जिंदाल रूफिंग शीट। यार आप लोगों ने तो कई सारा वीडियो में देखा होगा, उन्हें से जिंदाल कंपनी का नहीं देखा होगा क्योंकि इसका वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूं। वीडियो में तक बना रहा तब थोड़ी को पता चलेगा एड उचैड यार ऐसा ऐसा प्राइस बताऊंगा यार आप लोग का दिमाग खिल जाए। मैंने सोचा यार बहुत दिनों की यार आप लोग को कुछ यूनिक जानकारी नहीं दिया यार, तो आज मैं लेके आ गया और जिंदाल का। यार आप लोग का भी थोड़ा मोड़ा डिमांड था यार जिंदाल के बारे में यार, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोग का डिमांड को भी पूरा कर देते यार। तो मैं आप लोग को और एक चीज बताना चाहता हूँ, इन बाइक का जो दुकान आप लोग को दिख रहा हुआ ये एक्चुअल में यार मतलब सात माइल जंक्शन में था यार, मतलब सात माइल से चुमू में शिफ्ट हो गया। तो लोकेशन थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ, लोकेशन एक्चुअल में यार नागालैंड डिमापुर यार चुम्मू के डीमा गिरदा एरिया नियर SBI बैंक के बगल में ही है यार। तो मतलब चुम्मू के डीमा में सिर्फ एक ही SBI का बैंक यार, तो उसका बगल में उसका राइट साइड में ही है। तो आप लोग यहाँ पे आओगे विजिट करोगे तो आप लोग को ये शॉप मिल जाएगा। तो भाई लोग यार मतलब ये भाई जो है मतलब सात माइल से चुम्मू में मतलब कुछ कारण से यार यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये जो भाई का दुकान है यार पहले उनका पास था ताज रूफिंग शीट यार। तो मैंने आप लोगों को कई सारा वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ताज रूफिंग शीट कैसा होता है, कितना बढ़िया क्वालिटी का माना जाता है दोस्तों। तो इन भाई का दुकान में ताज रूफिंग शीट ही था पहले, और अभी एक्चुअल में क्या हुआ पता है क्या, जिंदाल का भी मतलब आ गया इन भाई का दुकान में, मतलब जिंदाल का भी थोड़ा डिमांड ज़्यादा है कस्टमर का यार। तो कस्टमर का हिसाब से इन भाई ने अभी जिंदाल का भी रखना शुरू कर दिया यार। तो मैंने सोचा क्यों ना यार आप लोग को भी जिंदाल का प्राइस थोड़ा बताया जाए यार, आप लोगों को तो पता नहीं होगा। तो ये नया नया खुला है, नया नया खुलने का साथ साथ मेरे को बुलाया हुआ है वीडियो बनाने के लिए यार, क्योंकि यार अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप लोग को जानकारी कैसे मिलेगा। तो ये दुकान का लुक इस तरह से कुछ दिखता है। तो ये खुला हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक हफ्ता जैसे ही हुआ है दोस्तों, तो अभी तक मतलब पूरा साइजिंग नहीं किया है। और इसे आप लोग को टीना भी दिखाऊंगा यानी शीट दिखाऊंगा कलर शीट, और आप लोग को प्राइस भी एड हो जाए पूरा बताऊंगा, यानी राइजिंग से लेके टीना से लेके मतलब कितना फीट तक मिलता है आप लोग को बताइए यार। आप लोग ने कई सारे मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कलर शीट में आप लोग को जितना फिट चाहिए उतना मिल जाएगा, और इसका प्राइस भी मैं बताऊंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा ताज रूफिंग शीट का प्राइस और जिंदाल का प्राइस, मतलब दोनों में डिफरेंट क्या है वो पता चलेगा। और भाई लोग अगर आप लोग जिंदाल का शीट लेना चाहते हो दोस्तों, तो इन भाई का नंबर मैं नीचे में दे दूंगा, आप लोग जाकर डायरेक्ट फोन करिए। वैसे तो आप लोग के पास नंबर तो होगा ही क्योंकि कई सारा वीडियो में मैंने आप लोग को दे चुका हूँ इन भाई का नंबर यार। तो भाई लोग ये एक्चुअल में पासपोर्ट, अच्छा पासपोर्ट कुछ इस तरह से होता है 45 mm। तो ये बस बोर्ड 45 mm का है यार, तो इसमें अलग अलग भी आता है, उनसे भी इस दुकान में सिर्फ 45 mm का रखा है क्योंकि ये वाला ज़्यादा चलता है यार। और ये क्या है, इसको क्या बोलता है यार, ये गटर है, ये गटर है। तो भाई लोग ये एक्चुअल में गटर है यार, गटर यार। आप वैरायटी ऑफ कलर, तो इसमें बहुत सारा कलर का वैरायटी मिलता है यार। तो फिलहाल तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन रेड और ग्रे वही चलता है लगभग यार, कलर तो बहुत मिलता है। तो ये गटर है। तो ये कितना mm का है थोड़ा बताएंगे अभी? 45। अच्छा ये भी 45 mm का, थोड़ा प्राइस बताएंगे इसके बारे में? ये इसका तो 1650। और ये एक्चुअल में जिंदाल कंपनी का है दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हो जिंदाल कंपनी की। इसमें आप लोग को ताज का भी मिल जाएगा यार, ताज जिंदाल दोनों में मिलेगा। तो फिलहाल अभी जिंदाल का रखा हुआ है, और इसका प्राइस कितना है? इसका ऐसे 1200 रुपये। तो इसका 1200 रुपये है पर पीस का, और ये है बस बोर्ड, ये बस बोर्ड है, इसका दाम है 1200 रुपये पर पीस का 10 फीट का। तो इसमें 6 फीट 7 फीट आता है ना, सिर्फ 10 फीट का। अच्छा सिर्फ 10 फीट का। तो भाई लोग यार इसमें आप लोगों को खटा नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 फीट का ही मिलेगा लंबाई में यार। तो भाई लोग चलो पहले आप लोगों को थोड़ा रेजिंग के बारे में थोड़ा प्राइस बता देता हूँ यार। तो ये आप लोग जो रेड कलर का रेजिंग देख रहा हूँ ये एक्चुअल में 35 mm का है, और इसका जो प्राइस होगा यार 1400 होगा पर पीस का यार। ये 10 फीट का है, इसमें आप लोग को काट के भी मिल जाएगा यार। और ये है ब्लू कलर का रेजिंग यार, और इसका प्राइस होगा 1600, और ये 45 mm का है, और 10 फीट का लंबाई है पर पीस का 1600 रुपया होगा। जिंदाल इंडिया लिमिटेड। तो भाई लोग यार ये हम लोग का जिंदाल कंपनी का शीट है यार, ऐसा यार जिंदाल सबरंग, ये है कुछ नाम इस तरह से यार। लिखा है हाई क्वालिटी प्रीमियम लिखा है इसमें, वाटरप्रूफ लिखा है इसमें, वैरायटी ऑफ कलर मिल जाएगा बहुत सारा यार, सुपर पेंट टेक्नोलॉजी है इसमें, एंटी क्रोशियन है इसमें, मेंटेनेंस फ्री है, मतलब हैवी क्वालिटी का शीट है लोग। ये एक्चुअल में 35 mm का यार। तो भाई लोग यार प्राइस सेक्शन में ऐसा मापा जाता है ना यार, इधर से लेके इधर, इधर हो गया 1 फीट हो गया, तो इधर से लेके इधर इसका प्राइस होगा 140 35 mm का यार। तो आप लोग जितना लंबा लोगे यानी 10 फीट का लोगे तो आप लोग का 1400 रुपया हो जाएगा पर पीस का प्राइस। ये कलर शीट जितना भी है दोस्तों सब रनिंग फिट में दिया जाता है यार, बाकी आप लोग आओगे तो डिस्काउंट हो जाएगा। और 45 mm का रनिंग फिट में 170 रुपीज यार। तो आप लोग जितना लंबा लोगे वही हिसाब से इंटू कर लेना, मान लीजिए आप लोग को लेना है 10 फीट का यार, वो भी 45 mm यार, तो 45 का 170 है रनिंग फिट में, तो 170 × 10 मार लेना यार, तो आप लोग को प्राइस निकल जाएगा, यानी 170 × 10 मारोगे तो 1700 रुपया हो जाएगा यार। तो इस तरह से होता है। तो मैं आप लोग एकदम सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ यार, नहीं तो आप लोग को मैं
इसका प्राइस बताऊंगा यार, तो मतलब एक एक करके बताना पड़ेगा यार, तो इसलिए आप लोग को बता दे रहा हूँ रानी फिट का यार। बाकी आप लोग इंटू कर सकते हो, आप लोग जितना फिट लोगे मतलब वही सबसे इंटू कर लेना। अगर 35 का ले रहे हो तो 140 इंटू 10 मार लेना यार, 1400 रुपये आ जाएगा। और 45 लेना है 170 इंटू 10 मार लेना यार, तो उसका प्राइस निकल के आ जाएगा यार। तो आप लोग को 30 फिट का लेना है तभी आप लोग इंटू मार लेना यार, वो प्राइस निकल के आ जाएगा यार। और बाकी फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो इसके लिए मैं और एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग और एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, ये जो भाई का दुकान है यार बहुत बड़ा दुकान है यार, 4 गोदाम है यार इनका, तो मैं अच्छे से आप लोग को दिखा नहीं पाया इस वीडियो में यार। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से आप लोग को दिखाऊंगा गोदाम यार, कितना बड़ा गोदाम है। तो भाई लोग यार, आप लोग अगर नया नया घर बना रहे हो यार, तो आप लोग को नहीं पता है कि एक घर में कितना पीस टीना लगेगा यार। तो आप लोग को सिंपल सा मतलब एक चीज करना है यार, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में यार आप लोग का घर का जो साइज है वो लेकर मेरे को भेज देना है यार, तो मैं आप लोग को बता दूंगा ये कितना पीस लगेगा यार। और आप लोग को प्राइस भी जानना है दोस्तों, तो आप लोग मुझे नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो 35 mm चाहिए या 45 mm यार, और दोनों में से एक को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं प्राइस के साथ यार आप लोग को टोटल कितना टीना लगेगा और कितना प्राइस हो। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद यार। आप लोग को इस तरह से कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते।